25. In what ratio does the point minus 4 to 6 divide the line symbol joining the point in 2? अच्छा चलिए देखते हैं क्या किस रेशियो में जो है डिवाइड कर गया इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को। एक अकॉर्डिनेट माइनस सिक्स टेन, माइनस सिक्स कॉमा टेन है, ठीक है। अच्छा और बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी हमारा है थ्री कॉमा माइनस एट। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये आपका ए भी हो जाएगा और इसी पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट माइनस फोर सिक्स। यहाँ पर ले लेते हैं कि लेफ्ट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस फोर सिक्स डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो K रेशियो वन। यहाँ K रेशियो वन ले लेंगे तो ये जो K रेशियो वन लिया है ये आपका M रेशियो N है और ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, समझे ना। तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई में एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस का एन वाई वन बाई में एम प्लस एन, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर k इंटू थ्री प्लस का वन इंटू माइनस सिक्स बाई में k प्लस वन, k इंटू माइनस एट प्लस का वन इंटू में टेन बाई में k प्लस वन इक्वल टू में माइनस फोर कॉमा सिक्स। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, थ्री के माइनस सिक्स बाई में k प्लस वन और माइनस एट के प्लस टेन बाई में के प्लस वन इक्वल टू में माइनस फोर कॉमा सिक्स। कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट इक्वल कर देंगे हमें मिल जाएगा जो रेशियो निकालना था, ठीक है। थ्री के माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस का फोर के माइनस फोर, थ्री के प्लस का फोर के हो जाएगा, माइनस का सिक्स उधर जाके प्लस का सिक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेवन के इक्वल टू में टू यानी के इक्वल टू में टू बाई सेवन। इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है वह रेशियो क्या हो जाएगा 2:7, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20